देख रहे हैं जनमत आवाज 1233 परिवारों के साथ छलावा भेदभाव पूर्ण 371 पट्टे वितरण किया। दो मंजिला आरसीसी भवनों को दिए पट्टे, एक घर परिवार एक जमीन में दो दो पट्टे दिए। जनता जनार्दन ने नगर परिषद पर लगाए आरोप, ओंकारेश्वर के गरीबों की हक छीन। दो मंजिला भवनों को दिए पट्टे, वही जनता जनार्दन ने नगर परिषद पर आरोप लगाते कहा कि मुंह देख पक्के आरसीसी दो मंजिला भवनों को पट्टे दिए जा रहे हैं। गरीबों के साथ भेदभाव पूर्ण छलावा किया जा रहा है। वही एक घर एक परिवार एक जमीन में दो दो पट्टे दिए। गरीब महिलाएं रोती चिल्लाती रही पर पट्टे नहीं दिए। जनता जनार्दन ने कहा कि हमें अगर पट्टे नहीं दिए तो हम चुनाव में भाजपा को सबक सिखाएंगे, वोट नहीं देगी। आए देखते हैं। पट्टा दो तुरंत दो, कोई के हमरा वार्ड में दे उसके सबको दो। न पट्टा देंगे तो दो देंगे वोट, न तो नहीं देंगे वोट। हमको पानी भी दिया, पर्ची भी दिया, हमको दो हमारे लिए लड़की हम लोग भी भाई को दिया। हमारे लिए लड़की कैसी जाए लेके जंगल में रहते हैं। मारे ससुर खबर सी दादागिरी कर रहे हैं। हमको कैसे मौका मिल दो परम लाल का सही जगह है। क्या नहीं बोल रहा हूं पट्टे आएंगे उनके भी तो हम वोटिंग करेंगे। और हमारे गांव में जो सुविधा है, जैसे पानी की समस्या है और जैसे रोड की समस्या है, जिसकी पर्ची ना है उसकी पर्ची है, हमारी सबकी पर्ची आ रही है। टंकी भी नहीं मिली और छोड़ दिए इन लोग। जब लिस्ट में नाम है, सर्वे में नाम उनका आया है, पर इन्होंने ना जाने कैसा काट पीट के उनका नाम छोड़ दिया है। जल आवास योजना में उनके नाम है। एक घर से तीन या चार चार जन को, एक बाप को मिले, बेटों को मिले, और खुद में सरकार की सेवा खुद कर रहा हूँ। और मेरे एक लड़के को एक का भी नाम मेरे नरेंद्र मेरे बगल में, उसका लेटरिन का उसको अलग मिली, उसका मकान अलग है, और मेरा मकान जांच करके मेरे को। भारत सरकार से ओंकारेश्वर की जो भूमि का मत का बता रहे हैं, क्या भारत क्लियरेंस हो चुका है? ये राज्य सरकार के अधीन है और राज्य सरकार वन विभाग से पूरी प्रक्रिया कराता है। दिल्ली में मोदी जी है, भाजपा की सरकार है। भोपाल में शिवराज जी है, भाजपा की सरकार है। प्रक्रिया दोनों सरकारों के बीच की हम पूरी करा लेंगे।